अकेले घर में जा रहा था। एक घंटे में इंसान कितना पैदल चलता है? अढ़ाई बहुत है घंटे का बाद। कहाँ जा रहे राजा? मैं सोच रहा था कि एक घंटे में इंसान कितना पैदल चल सकता है। 5-6 किलोमीटर। आज मैं सोच रहा था कि 10 किलोमीटर चल के दिखाऊँ। चलो मेरे साथ। चलो पैदल चलना पड़ेगा, कुछ मांगेंगे या कुछ भी करेंगे लेकिन चलेंगे पैदल। चले चलो। देखो भाई अभी प्रेजेंट टाइम पे बजा हुआ है 3:44। 3:44 पे हमारा चैलेंज शुरू होता है और 3:44 से और 4:44 पे हमारा चैलेंज खत्म होगा। गरबा पे चलते हैं। अभी तो चलते रहो बस। चलते रहो। ये आ चुके हम लोग चमड़का तक। अभी तो किसी में ये पैर वैर का हालत खराब होने लगा है शुरू में ही। अभी देखते हैं पैरों की अभी दर्द शुरू होता है। अभी चलते चलते भी खाते हैं हम से और ना चला जाएगा। क्या करना है यार ये आज फाइनल कर लेंगे। और अगर तुम लोगों को किसी को भी ऐसा चैलेंज तो या तो मुझे भी बता देना या तो करके एक क्लिप मुझे भेज देना, मैं जरूर आऊँगा तुमसे मिलने। अगर तुम लगा मानते हो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट में जरूर लिख देना। तो भाई लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत कर रहा है। अभी से ही बात लगना शुरू हो गई है पैरों की। अभी तो 1 किलोमीटर हो रहा होगा लगभग। 2 किलोमीटर हो चुका है। बाबा 3-4 किलोमीटर में तो हम लोग थक गए हैं। क्या किया जाए अभी बताइए। कैंट एरिया में पूरा सप्लाई डिपो है। सप्लाई डिपो है तो पीछे प्लेन खड़ी इसी से उड़ चलते क्या? नहीं फिर आके बैठे हुए हैं कहीं तक। पाकिस्तान में टूट गई होगी, गई थी वो वापस जो आई थी तो आपको याद ही होगा। वो देखो वो लगी हुई है तो वो वही हमारी तोप है। वो हमारी तोप नहीं है, कैंट की तोप है। हाँ नहीं हमारी ही है। इंडिया की टोप है जो पाकिस्तान में गई थी और वापस आ चुकी है वो टोप है। हम लोग एकदम जा चुके थक। प्यास लगी है ना ही इस साइड है ना ही कोई दुकान, ना ही इस साइड कोई दुकान है ना ही इस साइड कोई दुकान। अगर आप यहाँ के लोकल हो तो मालूम होगा सप्लाई डिपो की इधर उधर कहीं कोई दुकान नहीं है। वो है भाई चौबट्टा पे, चौबट्टा पे याद आया नहीं कि वरना पानी की बॉटल ले ही लेते। अब आगे देखना पड़ेगा पानी की बॉटल हमको लोग को लगी वो जो अब चला जाए। मतलब टाइम जा ही रहा है, टाइम दे ही रहे हो। भाई लोग एकदम थक चुके हैं इतनी दूर आने में। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही और जाने की आगे। लोग घर आ गए बड़ी दूर तक यार। ये पानी नहीं खरीद रहा है। रोड पे हम मेल पहुंच चुके हैं अभी और बड़ी भीड़ लग रही है यार आ गया। हमें लगता नहीं कि हम लोग पहुंच पाएंगे वहां तक। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग थक चुके हैं एकदम। जब अब आग देख के बता सकते होंगे थके हैं। और जब कैमरा चालू हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा सा रुक के धीमे चल रहे हैं, बाकी जब कैमरा बंद होता है बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं। मन तो मेरा कात बार किया कि ऑटो लेके पहुंच जाए और फिर लेकिन फिर वो चैलेंज कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं धीरे धीरे। मेरे पास जब कैमरा चालू होता है तब तक हम लोग धीमे ही चलते हैं और जब कैमरा बंद हो जाता है बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं लगता कि हम लोग चल पाएंगे। फिलहाल तो टाइम हो रहा है, टाइम कितना होगा? टाइम यार हमको लगा कि पहुंच जाएंगे लेकिन अब लगभग पहुंच ही गए हैं चुंगी तक। चुंगी चौराहे पे आ गए लेकिन वहीं पे भी हमारा टाइम खत्म हो चुका है। टाइम हमारा 3 मिनट पहले ही खत्म हो चुका था। टाइम खत्म हो चुका है, चलते अब आए तो चलेंगे भाई हनुमान मंदिर तो आपको दिखाएंगे भाई। लेकिन ये 10 किलोमीटर से ऊपर है। 10 किलोमीटर तो ज़्यादा ही है। अगर आप सीधा सीधा आते हो तब तो आ सकते हो, अगर ऐसे आने की कोशिश करोगे तो नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा घूमने की कोशिश कर गए थे, हम घूमते हुए आए तो पहुँच नहीं पाए। अगर तुम ऐसे आते सीधा आते अगर घर से निकलो और मंदिर के लिए निकलो तब आ सकते हो। और फिलहाल ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। लगभग मेरे हमारे घर से पड़ता है ये 15 या 12 किलोमीटर
और आप कहाँ रहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। एक घंटे को भाई हम नहीं पहुँचना। मैं ये भी दिखाना चाहता कि मैं पहली वीडियो में ही सक्सेस हो गया, पहली में ही मेरी लग गई है। तो हार ही गए, मंदिर आए, मंदिर कभी मंदिर में दर्शन ही कर लें। और बाकी 14 जनवरी से तो यहाँ मेला ही पूरा सब चालू होने वाला है। मेले की पूरी वीडियो आप मेरे चैनल पे आएगी और पूरे चैलेंज के साथ आएगी और मज़ा इतना आएगा आपको देखने में। और फिलहाल देखो अभी टाइम हो रहा है, हमने शुरू किया था 3:44 पे, अभी 4:58 हो रहा है। भाई मेहनत तो बहुत की लेकिन अब चैनल चैलेंज हार ही गए हैं। भाई भी मेरा बहुत थक गया है भाई, वीडियो बनाते बनाते पूरा थक गया, पैर पूरा गंदा हो चुका है भाई का। भाई मेरे लिए नहीं, कम भाई के लिए ही लाइक कर देना, कर देना यार भाई, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पैदल तो चल ही चुके हैं, अब चैलेंज भी हार गए ऊपर से, अगर चैलेंज जीत जाते तो कम से कम कुछ खुशी हो जाती, मतलब कोई बात नहीं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।